रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। पुलिस पब्लिक एसोसिएशन की अहम बैठक एसपी हमीरपुर अजीत जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में डीएसपी हितेश लखनपाल, पीपीए अध्यक्ष रमेश चंद भी मौजूद रहे। बैठक में पीपीए के आगामी दिनों के लिए रूपरेखा तैयार की गई और जिला में स्कूलों में छात्रों की मारपीट की घटनाओं को लेकर पीपीए के द्वारा अभियान चलाकर बच्चों को जागरूक करने के लिए निर्णय लिया गया। पुलिस पब्लिक एसोसिएशन की अहम बैठक एसपी हमीरपुर अरजीत सेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में डीएसपी हितेश लखनपाल, पीपीए अध्यक्ष रमेश चंद भी मौजूद रहे। बैठक में पीपीए के आगामी दिनों के लिए रूपरेखा तैयार की गई और जिला में स्कूलों में छात्रों की मारपीट की घटनाओं को लेकर पीपीए के द्वारा अभियान चलाकर बच्चों को जागरूक करने के लिए निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक में नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ भी काम करने के लिए खाका तैयार किया गया। बैठक में एसपी अरजीत सिंह ने पीपीए पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों पर नजर रखें और प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण और आई कार्ड की जांच करें, क्योंकि जिला में पिछले कुछ दिनों में प्रवासी व्यक्ति चोरियों में शामिल पाए गए हैं। साथ ही किराए पर रह रहे मजदूरों की पहचान हो, इसके लिए पीपीए के साथ मिलकर पुलिस अभियान चलाएगी, जिसमें मकान मालिकों को भी और बाहरी लोगों को मकान किराए पर देने से पहले पूरी जांच पड़ताल करने के लिए जागरूक किया जाएगा। बैठक में नशे के बढ़ते जाल को खत्म करने के लिए पीपीए के द्वारा आगामी दिनों में स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्रों की काउंसलिंग करने का निर्णय लिया गया है, जिससे पता चल सके कि छात्र नशे की गिरफ्त में क्यों जा रहे हैं और नशे के साथ मारपीट की घटनाओं में क्यों ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं। पीपीए की बैठक में पीपीए अध्यक्ष रमेश चंद, महासचिव राजीव पुरी, कोषाध्यक्ष मुनीश पुरी, प्रेस सचिव जसवीर कुमार, अरविंदर सिंह, वरिष्ठ सदस्य नेकराम, जसवंत सिंह, मुन्ना वर्मा, आशीष कौशल, किशोर सिंह भी मौजूद रहे। पीपीए के मेंबर्स जो हमीरपुर में रहते हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। डीएसपी हेडक्वार्टर भी इसमें मौजूद थे। हमने काफी चीजों पर चर्चा की और पीपीए मेंबर्स ने अपने इश्यूज और अपने जो सिटी के खासकर जो इश्यूज हैं उनके बारे में भी काफी जानकारी दी। कुछ इश्यूज जो खासकर हाईलाइट हुए उसमें एक तो रोड सेफ्टी का एक मुद्दा था, जिसके बारे में हमने कुछ सजेशंस और कुछ आइडियाज लिए उनसे और क्या क्या करने की आवश्यकता है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। दूसरा, यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स की काफी भारी मात्रा में आना और जाना लगा रहता है, इसलिए पीपीए मेंबर्स ने यह भी हमारे एक संज्ञान में लाया कि इनके रजिस्ट्रेशन कराई जानी और एक अलग स्तर पे और ज्यादा डिटेल में कराई जाए तो बेटर रहेगी। उसके बारे में भी हम एक लेबर डिपार्टमेंट से खासकर चर्चा करेंगे, ताकि अगर लेबर के इंटरेस्ट भी, लेबर जिसकी रिक्वायरमेंट यहाँ हमीरपुर में काफी ज्यादा है, उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहे और जो यहाँ आम जनता की सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इश्यू रेज हो रहा है तो वो भी एड्रेस किया जा सके। तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस हुआ वो था जो टेनेंट्स वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और पीजीज जो यहाँ पे चल रहे हैं, जहाँ पे अक्सर ये देखा गया है कि स्कूल और कॉलेज के बच्चे जो हैं अपने परिवारों से दूर यहाँ पे आके रहते हैं और कई बार ऐसा देखने में आया है कि कोई ना कोई दुविधा या समस्या के कारण, जैसे अभी पीछे एक रैगिंग का इंसिडेंट हुआ, दो तीन केसेस और भी आए थे, इस तरह की चीजें कई बार बच्चों को, खासकर जो अलग डिस्ट्रिक्ट या अलग स्टेट से आए हैं यहाँ पे, उनको झेलनी पड़ रही हैं। तो इसके लिए भी हम एक साझा मीटिंग करेंगे बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि कुछ ना कुछ इसका भी हल निकल सके। और पीपीए के साथ ये भी डिस्कस किया गया कि जितना हो सके वो अपनी पार्टिसिपेशन और रखें, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंट, मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी हमारी सिविल सोसाइटी को, तो इसलिए जितने ज्यादा मेंबर्स और एसोसिएट कर पाए अपने माध्यम से उतना हमको और मदद मिलेगी। एक तरह की ये हमारे एक पुलिस की एक ऑगमेंटेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम है।